अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ओरियन सिक्योरिटी शॉप। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी बल्ब PTZ के बारे में है, और ये हमारा वैसे तो ऑलरेडी 3 मेगापिक्सल हमारे स्टोर में मौजूद है और उसकी वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन ये जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा 1 मेगापिक्सल, ये हम उसमें थोड़ा सा लोअर वर्जन मंगवाया क्योंकि काफ़ी कस्टमर कहते थे कि आपका रेट ज़्यादा है, मार्केट के में जो कैमराज मौजूद हैं बल्ब PTZ वो सस्ते मिलते हैं, हमारा जो 3 मेगापिक्सल 4000 या 4000 से अबव होता है, तो कस्टमर्स की कंप्लेंट थी जी 3000 का हमें मिलता है, तो उसकी वजह से हमें फिर लोअर रेजोल्यूशन वाला भी मंगवाना पड़ा। अब होता क्या है, मार्केट में जो 1 मेगापिक्सल कैमरा उसको 2 कह के सेल किया जाता है, बल्कि सम टाइम्स तो 0.5 मेगापिक्सल कैमरा भी मार्केट में मौजूद होता है, उसको भी 2 मेगापिक्सल कह के सेल किया जाता है। अब ये 1 मेगापिक्सल कैसे है, हालांकि जब हम इसका लाइव व्यू खोलते हैं तो लाइव व्यू में 1080p लिखा रहा होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्होंने इसमें डाला होता है जो कि चाइना से ही इसमें सॉफ्टवेयर हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने अपने कैमरे के ऊपर ऑलरेडी 1 मेगापिक्सल लिखवा दिया है ताकि कस्टमर को कोई कन्फ्यूजन ना आए। हमारा जो 3 मेगापिक्सल वाला मॉडल है उसका भी डब्बा सेम है, कैमरा सेम है, लेकिन सिर्फ उस पर हमने 3 मेगापिक्सल लिखवाया, ठीक है, वो 3 मेगापिक्सल वाला। अब आपको इसमें मार्केट में इस तरह का बॉक्स भी मिलेगा, ये हमारा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो दावा ने आज तक ये वाला कैमरा बनाया नहीं, तो दावा कंपनी ये वाला कैमरा नहीं बनाती, ये उसकी कॉपी उन्होंने बनाई हुई है। इसी तरह किस तरह का भी कैमरा का मार्केट में मौजूद है, इस पे लिखा होता है 2 मेगापिक्सल। अब ये 2 मेगापिक्सल लिख तो देते हैं, लेकिन होता 1 मेगापिक्सल है, वो कैसे होता है 1 मेगापिक्सल वहाँ आ गया, वीडियो में जाके अभी आपको बताऊँगा। अभी फिलहाल हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हम कैमरा ओपन करते हैं, तो इसमें आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो एक इसका E27 चौड़ी वाला होल्डर है, ये 2 स्क्रू मिलते हैं, इसका यूज़र मैनुअल है, ये हमारा कैमरा आ जाता है। इस पर आप देख सकते हैं हमारा हाईटेक का लोगो लगा हुआ है, तो जब भी आप हमारे ट्राई करें तो ये आप चीज़ जरूर नोट करें उसका हाईटेक का लोगो। आप देख सकते हैं इसमें ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ये इसका रीसेट बटन है, ये इसकी 8 लाइट्स हैं, 4 इसमें इंफ्रारेड होती हैं और ये 4 इसमें कलर होती हैं, मतलब इसमें ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन भी है और कलर नाइट विजन भी है। और ये इसके चूड़ी वाला होल्डर है, और ये उसके ऊपर हमने 1 मेगापिक्सल प्रिंट करवा दिया ताकि कस्टमर को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कितने मेगापिक्सल कैमरा है। तो ये होगी अनबॉक्सिंग, अब हम इसको ऑन करेंगे और मोबाइल पर कैसे ऐड करना वो बताएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे सेटिंग करनी है वो आपको दिखाएंगे, और ये 1 मेगापिक्सल किस तरह है वो भी आपको कंपैरिजन करके बताएंगे आगे वीडियो में चलते हैं। ये जो हमारा ये अब जो हमने कैमरा हैंग कर लिया है, अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं, ये होल्डर में हमने सिंपली इसको फिक्स कर दिया है, ये जो आप स्टैंडर्ड होल्डर देख रहे हैं ये हमने अलग से लगाया हुआ है, जो साथ मिलेगा वो आपको फिक्स होल्डर ही मिलेगा जो ये बैक पे लगा हुआ है। तो हम इसको आपको जब एक्सेस पॉइंट डैडी की आवाज़ देगा तो फिर आपने मोबाइल में इसको ऐड कर लिया। जी सभी व्यूअर्स, कैमरा हमने हैंग कर लिया है और कैमरा ऑन भी हो चुका है, अब हम इसको मोबाइल में ऐड करने का तरीका देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी रेजोल्यूशन दिखाऊंगा और इसकी रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन भी चेक कर पाऊंगा, इसके फीचर्स भी दिखाऊंगा। यहाँ मेरे सामने देख सकते हैं ये माइक्रोएसडी कार्ड्स पड़े हुए हैं, ये दिखाने का मकसद ये है कि इन कैमराज में ओरिजिनल Class 10 माइक्रोएसडी कार्ड ही सही चलते हैं, अगर आप लोकल कार्ड्स लेके चलाएंगे तो इसमें सम टाइम्स चलते हैं, सम टाइम्स नहीं चलते, और अगर चल भी जाएँ तो कुछ ऐसे बात कार्ड करप्ट हो जाता है और आपका डाटा जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो बेहतर यह है कि ये होते थोड़े से कॉस्टली हैं नॉर्मल कार्ड से, लेकिन ये सर्वेलेंस कार्ड होते हैं, स्पेशली इनके लिए बने होते हैं। आप IMOU का ले लें, IXIAMI का ले लें, धावा का ले लें, ये तीनों हमारे स्टॉल पर मौजूद हैं और ये वारंटी के साथ भी आते हैं, ये जो कार्ड हैं वारंटी के साथ होते हैं। तो चलें अब हम आपको कैमरा सेटअप बता देते हैं। सबसे पहले आप जब V380 Pro एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम उसका पेज इस रहेगा, कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, परमिशन आपने अलाउ कर देनी है, उसके बाद जब आगे जाएगा तो ये पेज आएगा। अब इसमें लॉगिन करने के हमारे पास 2-3 तरीके मौजूद हैं, अगर तो आपके पास WeChat ID है या ट्विटर अकाउंट है तो आप इसे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं बगैर कुछ एंट्री किए, अगर आपके पास नहीं है तो फिर इसको लॉगिन करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये ट्राई विदाउट एन अकाउंट है और एक ये लॉगिन विद ईमेल ID है। रजिस्टर करने का तरीका मैं इसमें नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रजिस्टर करने का तरीका देखने के आप ऊपर आइकन पे क्लिक करें, मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ रजिस्टर करने का तरीका। तो अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करना बेहतर होता है अगर आपने एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे चलाना है तो लॉगिन करके ही चलाएं, वरना आप उसको शेयर नहीं कर सकेंगे अगर आप बगैर रजिस्टर किए उसको लॉगिन करेंगे। ये मैंने एक ऑलरेडी एक टेस्टिंग ID बनाई है, उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ पासवर्ड एंटर करके। अच्छा जी, पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह आके अंदर एंटर हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे कैमरा आपका ऑलरेडी मोबाइल सेटिंग्स में, मोबाइल की वाईफाई सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे आप देखेंगे तो MV के नाम से आपको ऑलरेडी एक हॉटस्पॉट शो हो रहा होगा, ये हमारे बल्ब कैमरे का हॉटस्पॉट है, इसको हमने कनेक्ट कर लेना है। जब आप कनेक्ट करेंगे हो सकता है कि आपको कहें कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है इस वाईफाई पे, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इंटरनेट का वाईफाई नहीं है, ये कैमरा कनेक्ट करने के लिए है, तो आपने फिर भी कनेक्ट करना है, उसको कैंसिल नहीं करना और कनेक्टेड रहने देना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन में वापस आ जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने जहन में रखना है कि सिर्फ एक सिंपल स्टेप करना है, आपने इसको पेज को रिफ्रेश कर देना है।
इसको ऐड करने का एक से ज़्यादा तरीके हैं। अगर तो आप वाईफाई से ऐड करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो फिर कैमरे के ऊपर क्यूआर कोड बना होता है, उसको भी आप स्कैन करके कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर ये वाला तरीका प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें आप बगैर इंटरनेट के भी ऐड कर लेते हैं, और बाद में आप अगर इंटरनेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड के वाले तरीके से आप सिर्फ वाईफाई से ही डायरेक्टली पेयर कर सकते हैं, इसको इंटरनेट के बगैर नहीं चला सकते। तो ये ऐड डिवाइस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा कैमरा सामने ऐड हो चुका है। अब सामने एक कैमरे का प्ले आइकन शो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपसे फर्स्ट टाइम पासवर्ड मांगेगा। मैंने पासवर्ड ऑलरेडी रखा हुआ है, एडमिन 123, एक लेटर आपने इसमें कैपिटल रखना है, ये देन में रखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो आपको दो बॉक्सेस शो करेगा पासवर्ड के, मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ तो मुझे एक ही बॉक्स उसने शो किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक लेटर इसका कैपिटल रखा हुआ है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसका व्यू शो कर देगा। बाई डिफॉल्ट एच डी पे होता है, हमने इसको एच डी पे करना है। इसको मैं नज़दीक करके आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इसको मूव करने के लिए ये लेफ्ट राइट अप डाउन दिया हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ से डाउन करूँगा तो ये डाउन हो जाएगा, अप करूँगा तो अप हो जाएगा, राइट करूँगा तो ये राइट हो जाएगा, और लेफ़्ट करूँगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा। ये हो गया जी इसकी, बाकी आपने इसको डायरेक्टली कैसे ऐड करना है बगैर इंटरनेट के, और इंटरनेट के बगैर मोबाइल पे ऐड करने की जो रेंज है वो 30 फुट है। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर आप इसको इंटरनेट के बगैर मोबाइल पे ऐड करेंगे तो इस दौरान आप फिर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ना मोबाइल डाटा यूज़ कर सकेंगे, और वाईफाई पे तो ऑलरेडी कैमरा आपका अटैच है। तो हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर जिस दौरान आप इसको लाइव देखेंगे उस दौरान नेट आपका नहीं चलेगा। इसमें ये अलार्म की ऑप्शन है, अगर आप अलार्म क्लिक करेंगे तो कैमरे में से बाहर आएगी अटेंशन यू आर अंडर सर्वेलेंस। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये स्नैपशॉट है, अगर आप ये स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक स्नैपशॉट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, और आप गैलरी में जाके इसको देख सकते हैं। आप ये सामने देख सकते हैं कि मुझे एक स्नैपशॉट शो रहा है, और ये स्नैपशॉट सामने नज़र आ रहा है। इसकी मैं डिटेल में अगर आप दिखाऊं कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैमरा कितने मेगापिक्सल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है, ये आप देख सकते हैं 1920x1080। तो कस्टमर इसको ये समझता है इस स्क्रीन शॉट को देख के कि ये 2 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन ये हकीकत में 2 मेगापिक्सल नहीं है। इसको कहने के एक सॉफ्टवेयर के थ्रू 2 मेगापिक्सल में शिफ्ट किया गया होता है, होता है कि रियल में ये 1 मेगापिक्सल होता है। इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ चेक करने का, क्या तरीका है कि ये 1 मेगापिक्सल है या 2 मेगापिक्सल है। हम लाइव व्यू में वापस आते हैं, लाइव व्यू में वापस आके हम मेन स्क्रीन पे वापस आएंगे। आप ही नीचे देख सकते हैं कि एक प्रोफाइल का आइकन है, उस पर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल में फिर एक सेटिंग का आइकन है, उस पर आप क्लिक करना है। और ये तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऑन है। स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन ऑन का मतलब ये है कि अगर आपका कैमरा 1 मेगापिक्सल है तो उसके स्क्रीन शॉट को 2 मेगापिक्सल शो करेगा। तो उसके लिए आपने इसको ऑफ करना है। और अब हम लाइव व्यू में वापस जाते हैं, एच डी पे क्लिक करते हैं, और अब हम दोबारा इससे इसका एक स्क्रीन शॉट लेते हैं, स्नैपशॉट। अब हम वापस गैलरी में जाएंगे और जो स्क्रीनशॉट हमने सेकंड टाइम लिया है उसकी रेजोल्यूशन चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके 1280x720 शो कर रहा है, ये इसकी रियल रेजोल्यूशन है। तो ये स्क्रीनशॉट ऑप्टिमाइजेशन बंद करने के बाद ही आपको पता चलेगा कैमरा 1 मेगापिक्सल है या 2 मेगापिक्सल है। मेरा बताने का मकसद यह है कि मैं दोनों ही मॉडल्स मंगवाता हूँ, ये 3 मेगापिक्सल दिखाना, 3 मेगापिक्सल। अच्छा, मेरा आपको बताने का मकसद यह है कि मार्केट में जो 99% है, बल्कि मैंने काफ़ी सेलर्स के कैमराज टेस्ट किए हैं, कोई भी रियल 3 मेगापिक्सल या रियल 2 मेगापिक्सल नहीं मंगवाता, सारे 1 मेगापिक्सल मंगवाते हैं, उसको 2 कह के सेल करते हैं। लेकिन मैं अपने स्टोर पे दोनों ही मॉडल सेल करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने कैमरा के ऊपर बॉक्स पे भी 1 मेगापिक्सल लिखवाया है ताकि कस्टमर को धोखे में ना रखा दे। आप देख सकते हैं 1 मेगापिक्सल लिखा हुआ है, इसी तरह इस पर जो हमारा 3 मेगापिक्सल का मॉडल है उस पर 3 मेगापिक्सल। हो गया जी 1 मेगापिक्सल और 3 मेगापिक्सल आपने कैसे चेक करना है, आप इसके डिफरेंट फंक्शंस भी बता दें। अच्छा जी, इसका वीडियो रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दूँ, और वीडियो प्लेबैक रेजोल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका वीडियो प्लेबैक भी 1 मेगापिक्सल ही है, 2 मेगापिक्सल नहीं है। तो ये मैंने एक क्लिप थोड़ा सा रिकॉर्ड करके सेव किया था, जो मैंने एस डी कार्ड में सेव किया हुआ था। तो ये आपने सिंपली इसकी डिटेल्स में जाना है, डिटेल्स में जाएंगे तो ये आपको उसकी रेजोल्यूशन शो कर देगा 1280x720, 12 सेकंड का ये क्लिप था जो मैंने सेव किया हुआ है, और ये 1 मेगापिक्सल का वीडियो रिकॉर्ड शो करता है। 1 मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं कि बहुत ही बुरी रिकॉर्डिंग शो करेगा, रिकॉर्डिंग ये नॉर्मल रिजल्ट शो करता है। और ये छोटा एरिया, जैसे मेरी शॉप है 20x10 की, तो उसके लिए ये काफ़ी है इनाफ है ये कैमरा। अगर आपका एरिया इससे बड़ा है तो फिर आपको इसे अच्छे वाला मॉडल, यानी कि 3 मेगापिक्सल वाला मॉडल या 2 मेगापिक्सल जो रियल होता है वो लेना चाहिए। अलार्म हम चेक कर चुके हैं, मोशन रोटेशन चेक कर चुके हैं, इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर टाइम चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये तब तक रिकॉर्ड करता रहेगा जब तक आपकी ये स्क्रीन ओपन रहेगी। अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग बंद कर देगा। इसके अलावा इसमें बेहतर यह है कि आप मेमरी कार्ड लगा के रिकॉर्डिंग करें। मैंने मेमरी कार्ड इसमें लगाया हुआ है, वो भी अभी आपको मैं उसकी सेटिंग दिखाता हूँ क्या होती है। आप स्पीक करके इसमें बोल भी सकते हैं, हेलो हेलो, तो आप सुन सकते हैं कि कैमरे में से आवाज़ भी आ रही है। ये रीप्ले का बटन है, रीप्ले पर क्लिक करने से हम इसके प्लेबैक में चले जाएंगे। प्लेबैक की दो ऑप्शन होती है, क्लाउड एक माइक्रो एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड पे क्लिक करेंगे क्योंकि क्लाउड बाय करना पड़ता है। तो आप ये सामने देख सकते हैं इसके नीचे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, और ऊपर इसका ये डेट आ रही है। यहाँ से आप आगे भी शेयर की डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा
इसमें ऑप्शंस हैं एक इवेंट की भी, इवेंट ग्रुप में आप जाएंगे तो ये आपको आई थिंक 5 से 10 मिनट के क्लिप्स भी सेव करके रहता है, और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप उसकी रेजोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। या ये हो गया जी इसका रिकॉर्डिंग मेन्यू कि आप रिकॉर्डिंग कैसे चेक कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें मैंने और आपको बतानी है, वो आपको इंटरनल मेन्यू सेटिंग्स में जाके पता चलेंगी। या आप बोल दारा देख रहे हैं, ये इसका इंटरनल मेन्यू सेटिंग का दारा, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में सबसे पहले ऑप्शन जनरल किया, ये नेटवर्क आप वाईफाई यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड से पासवर्ड चेंज, डिवाइस टाइम से डिवाइस टाइम। डिवाइस टाइम में जाकर आपने ये मैनुअल कैलकुलेशन लाजमी करनी है, खासतौर पर अगर आप इसको बगैर वाईफाई के यूज़ कर रहे हैं, ताकि इसका डेट टाइम आपकी डिवाइस के हिसाब से सेट हो जाए और आपकी रिकॉर्डिंग में कोई इशू ना बना, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं शो करेगा अगर आप डेट टाइम सेट करेंगे यहाँ से मैनुअली। ये फर्म में वर्जन चेक करने के लिए अलार्म सेटिंग है, यहाँ से आप मोशन अलार्म ऑन कर सकते हैं, अगर कैमरे का कोई मोशन हो तो अलार्म बजेगा। रिकॉर्डिंग सेटिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग सेटिंग्स में आपको एक बार देख लें कि बाय डिफॉल्ट एच डी रिकॉर्डिंग पे होता है, जिससे वीडियो क्वालिटी प्लेबैक की सही पूरी नहीं आती, तो आपने इसको एच डी रिकॉर्डिंग पे करना है, एच डी पे नहीं करना, उसके बाद बैक करना है तो ये खुद ब खुद इसकी सेटिंग सेव कर लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है वो पी टी डी ऑटो पेट्रोल है। पी टी डी ऑटो पेट्रोल का मतलब यह है कि आप इसको एक से दूसरे पॉइंट पर ऑटोमेटिक रोटेट भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले प्रीसेट सेट करने पड़ते हैं, और उसका तरीका मैं अपनी एक दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। उसके लिए आप ऊपर आई के आइकन पर क्लिक कर लें, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि आप इसको ऑटो पेट्रोल पे कैसे सेट कर सकते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। अब ये लाइट सेटिंग है, लाइट सेटिंग में आप ऑलरेडी मैं मेन मेन्यू में भी दिखा चुका हूँ कि आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, और ऑटो पे रख सकते हैं। और यहाँ से आप लाइट की सेंसिटिविटी भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हाई रखनी है, लो रखनी है, या मीडियम रखनी है। डिवाइस वॉल्यूम सेटिंग, यहाँ से आप इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, बाई डिफॉल्ट 7 पर होता है, आप इसको 10 तक ले जा सकते हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग में आप वॉइस ऑफ कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग वॉइस होती है ना, सेंटर कस्टमर कहता है कि मुझे ये वॉइस नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ से उसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एंड पे दो ऑप्शन दी हुई हैं, ये हर कैमरा में नहीं होती, कुछ में होती हैं कुछ में नहीं होती। रीबूट कैमरा आप यहाँ से रीबूट भी कर सकते हैं, और रीसेट कैमरा यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं कैमरे का बटन प्रेस किए बगैर, वरना वो आपको मैनुअली प्रेस करना पड़ता है। ये हो गया जी इसकी इंटरनल सेटिंग। अब आपने इसको वाईफाई से कैसे फिर करना है आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाकर आपने नेटवर्क पर क्लिक करना है। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आपने वाईफाई स्टेशन मोड पर क्लिक करना है, वाईफाई स्टेशन मोड पर क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट वाईफाई पर क्लिक करना है। सेलेक्ट वाईफाई पर क्लिक करने के बाद आपका वाईफाई शो होगा, जैसे मेरा हाईटेक है, मैं हाईटेक सेलेक्ट करूँगा। इसका पासवर्ड आपने अनसी करके देख लेना है कि इसका पासवर्ड सही है कि नहीं। समटाइम्स हमने पासवर्ड चेंज किया होता है, लेकिन मोबाइल में ओल्ड पासवर्ड सेव रह जाता है, जैसा कि मेरी कंडीशन में भी इसी तरह ही ओल्ड पासवर्ड इसमें सेव है। अगर पासवर्ड सही नहीं होगा तो ये आपको एरर दे देगा, सेव कनेक्ट नहीं करेगा। अब आपने सेव पे क्लिक करना है। देखिए मैंने सेव पे क्लिक किया, कस्टमर कैमरे में से वाली वाईफाई कनेक्टिंग, और अगर ये सक्सेसफुल कनेक्शन होगा तो कनेक्शन कंप्लीटेड के बाद आ जाएगी, इट मीन ये कैमरा वाईफाई से पेयर हो गया। इस दौरान आपने एक चीज़ में रखनी है कि आपका मोबाइल डाटा ऑफ रहना चाहिए, वरना मोबाइल डाटा ऑन होने की वजह से समटाइम वाईफाई से पेयर नहीं करता। अब आपने इसको प्ले पे क्लिक करना है तो ऊपर देख सकते हैं मेरा हाईटेक का वाईफाई चल रहा है, और ये मेरा वाईफाई से पेयर हो गया है। और आप मुझे देखें तो ये सामने एक फर्मवेयर अपडेट की भी ऑप्शन दे रहा है, अगर आप फर्मवेयर अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, इग्नोर करेंगे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान फिर आपका वाईफाई बंद नहीं होना चाहिए, ना कैमरा बंद होना चाहिए, वरना आपका कैमरा हैंग हो जाएगा और ये चलेगा नहीं, फिर आपको लैब में भेजना पड़ेगा ठीक करवाने के लिए। तो ये चीज़ें आज की वीडियो बल पी टी थी 1 मेगापिक्सल की। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में सारी सेलर्स इसको 2 मेगापिक्सल के सेल करते हैं, लेकिन हमारे आदत है कि हम अपने कस्टमर्स को सही गाइड करते हैं जो चीज़ ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये 1 मेगापिक्सल कैमरा है, ये 2 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है। इसके अलावा हमारा 3 मेगापिक्सल वर्जन है, उसकी भी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है हमारे स्टोर उस पर यूट्यूब चैनल पे, और हमारे स्टोर पे भी मौजूद है। आप अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप वो बाई कर सकते हैं, और अगर आपको इकोनॉमिकल प्राइस में नॉर्मल रिजल्ट चाहिए तो आप 1 मेगापिक्सल मॉडल बाई करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे।